अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप कैसे होंगे। दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद हैं हमारे बहुत ही तरक्की के, जो तरक्की पसंद हमारे सियासी समाजी कारकुन भी हैं, और सिंध के डिप्टी स्पीकर साहब एंथोनी नवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ इनका हमेशा जब भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब आना होता है वो एक मकसद के तहत आना होता है, और इस बार भी ये इस मकसद के तहत आए हैं कि जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसमें तरामीम की एक तहरीक चलाई जा रही है। और सर, आप देखने वाले को बताइएगा कि वो तहरीक क्या है और उसका मकसद क्या है। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जब भी प्रेस क्लब आते हैं बड़ी इज्जत देती हैं, और हमेशा उन इश्यूज़ को जो कमज़ोर तबकात की कमज़ोर आवाज़ होती है उनका साथ देने के लिए हमेशा जो है वो फ्रंट लाइनर सोल्जर का किरदार अदा करती हैं, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम आज भी नेशनल प्रेस क्लब में दोस्तों के साथ, साफ़ी दोस्तों के साथ इसलिए यहाँ पर आए थे कि हाल ही में जो इस्लामाबाद में नेशनल असम्बली में जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हवाले से जो अमेंडेड जो है वो बिल पेश किया गया था, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई कि जो उम्र की हद का तयन था उसमें जो है वो अमेंडमेंट करके, और हम सब की ख्वाहिशात के मुताबिक जो इस मुल्क में जितने भी तरक्की पसंद लोग हैं, जो ख़वातीन हैं और जो बच्चों के हकूक़ के हवाले से काम करते हैं, सब ने जो है वो माइनर की जो है वो मैरिज की जो एज एक मुख्तस की थी 18 साल से, ने उस वक्त भी लीड ली थी इसमें, और इसमें भी क्रिश्चियन ने जो हमारा मैरिज एक्ट था उसमें भी उम्र की जो हद थी वो 13 साल थी बच्चियों के लिए, तो उसको नेशनल असम्बली से जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, चूँकि ये इनका मैनिफेस्टो का हिस्सा है क्रिश्चियन पर्सनल लॉस पे काम करना, तो उसके तहत उसको जो है वो अमेंडेड बिल की सूरत में उम्र के हद को जो है वो तब्दील किया गया है। उसके बाद भी हम समझते हैं कि इस पहले कदम के बाद जो है वो सफ़र रुका नहीं है, हमें मज़ीद जो है इस पे काम करने की ज़रूरत है, और इस मैरिज एक्ट में जो दूसरी सेक्शंस हैं जिन पे हमें अपना सफ़र जारी रखना है, अपनी डिस्कशन जारी रखनी है, अपनी लॉबिंग एडवोकेसी जारी रखनी है, हम उसी सिलसिले में आज नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि चंद एक गुजारिशात मैं आपके सामने दोबारा पेश करना चाहता हूँ इस मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म पर, कि क्रिश्चियन जो मैरिज एक्ट है उसमें एक सेक्शन में ये वाज़ह है कि दोनों में से कोई भी एक वर्ड वहाँ पर जो है दे हैव यूज द वर्ड पार्टीज़ नॉट मेल और फीमेल, तो हम ये चाहते हैं कि ये वर्ड पार्टीज़ जो है वो इसको तब्दील किया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये आइली कवानीन है, ये पर्सनल लॉ है, ये रिलीजन बेस्ड लॉ है, तो इसलिए हम किसी भी हवाले से कल को ये प्रैक्टिस हो कि वर्ड पार्टीज़ का फ़ायदा उठा के मेल मेल के साथ शादी करे या खातून खातून के साथ करे, तो इसको हम इनक्रेज करते हैं, यहीं पर इसको फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर मर्द और ख़वातीन की शादी जो है वो दर्ज होना चाहिए। और इसके साथ साथ चूँकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि ये आइली कवानीन है, पर्सनल लॉ है, मज़हब की बुनियाद पर है, तो इसमें 1872 में जिस तरीके से लिखा हुआ है जी, कोई भी एक क्रिश्चियन होना चाहिए और उनका 1872 की जो आयली कवानीन के तहत शादी रजिस्टर हो सकती है, तो इसकी भी हम जो है वो सख्ती से जो है वो मुखालफत करते हैं, और हम इस मुतालबे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि दोनों फरीकैन जो हैं वो मसीही होने चाहिए ताकि उनकी शादी का अमल जो है वो इस कानून के तहत हो जाना चाहिए। एक और मैं आपके सामने गुजारिश रखना चाहता हूँ कि एक और सेक्शन के तहत ये दर्ज है कि सोलमनाइजेशन का जो अमल है या शादी का जो अमल है वो गरूबी आफ्ताब के बाद जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, या उसकी ममानियत है, उसकी इजाज़त नहीं है, जबकि आजकल जिस किस्म के हम सोशल प्रैक्टिसेस में वो दाखिल हो चुके हैं वो अक्सरियत जो है वो शादी जो है वो शाम के वक्त में होती हैं और गरूबी आफ्ताब के बाद ही वो शादियां जो है वो सर अंजाम पाती हैं, तो हो सकता है कि जब 1872 में इन कवानीन पे जो है वो इसको जो है बनाया जा रहा हो तो वहाँ पर आज के ज़माने के मुताबिक जो है वो डेवलपमेंट ना हुई हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और जो दूसरी
डेवलपमेंट के जो है वो आंसर हैं वो उस तरीके से ना हुए हों, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो ये सनसेट का जो है वो बाद शादी के अमल को मना कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको भी एक कानूनी तहफ़ हासिल हो, फिर लोग अपनी सहूलत के मुताबिक वो शादियां जो है वो उसको तकरीब का जो है इनकार कर सकें। ये चंद मैंने गुजारिशात आपके सामने रखी हैं, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हम चाहते हैं कि इसको आप जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक मैरिज और डाइवोर्स को जो है उनके कानून साजी की जाए। तो जैसे सर आपने बताया कि मैरिज का आपने मुकम्मल एक प्रैक्टिस बताई कि औरत और मर्द का होना लाजमी है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुस्तकबिल में हम एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करने वाले हैं जो कि मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल की तरफ जा रहा है। तो इसकी भी आपने डिस्करेज करके एक तारीखी कदम उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग हम जब कोई चीज़ तलाश कर रहे होते हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि देखें जी इस में तो पहले से मौजूद है, तो बहुत बड़ी चीज़ है तो आप वो कर रहे हैं। दूसरा जो आपने ये बताया कि निकाह का भी आपने बता दिया कि उस वक्त जो है दिन की रोशनी जो है जाहिर है 1872 कहाँ और 2024 कहाँ, और जहाँ हम MDGs 2030 को देख रहे हैं तो वहाँ तो हमें बहुत ज़्यादा इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का जो अमीन मसीह केस है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मसीही आयली कवानीन के हवाले से एक टर्निंग पॉइंट है, जिसने ज़ियाउल हक की ये जो एक मुजरिमाना साजिश थी उसको ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पाकिस्तान के मसीहियों और पाकिस्तान की मसीही मजहबी क़यादत को इस साजिश के बारे में ना सिर्फ सोचने पे मजबूर किया बल्कि उनकी हल की तरफ भी धकेला गया। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अमीन मसीह और उसकी बीवी ने हिम्मत करके अदालत का रुजू किया और कानूनी तौर पर बाइज्जत तौर से अपनी उस शादीशुदा ज़िंदगी को, जिसमें वो समझते थे कि उनकी ज़ेहनी हमांगी नहीं है और वो बतौर मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी नहीं कंटिन्यू कर सकते, जिसको वो ख़त्म करना चाहते थे, और वो एक तारीख का एक पाकिस्तान में बसने वाली मसीहों के साथ जो बहुत बड़ी एक मुजरमाना साजिश के ज़रिए ज़ियाउल हक ने तलाक के कवानीन को तमाम सेक्शंस को उन्होंने सस्पेंड करके जो एक सेक्शन नाफिज़ुल अमल कर दी थी कि जिसमें कहा गया था कि जी खातून बदकिरदारी की सूरत में अपने शोहर से तलाक उसको हो जाएगी, या अगर मर्द अगर बदकिरदारी करते हुए पकड़ा गया है तो गवाहान की मौजूदगी और उनके गवाही की वजह से वो खातून अपने मर्द से जो है वो तलाक हासिल कर सकती है। तो अमीन मसीह ने और उसकी बेगम ने अदालत का जब दरवाज़ा खटखटाया तो फिर अदालत को मजबूर होकर उसकी रिसर्च करनी पड़ी कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाने को तैयार ही नहीं थे, और वो इस बात पर उनका बहुत क्लियर स्टांस था कि बदकिरदारी ना मैंने अपनी बीवी में देखी है और ना बीवी ने अपने शोहर में देखी है और हमें तलाक भी चाहिए। तो फिर जब इन सेक्शंस को, जिसको ज़ियाउल हक ने सेक्शन 7 की सूरत में जो मौजूद थी चीज़ें उसको रिस्टोर करके उनको एक रास्ता फराहम किया, और मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्शन 7 में 5 से ज़ायद ऐसी ग्राउंड्स मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर मसीहत में तलाक जो है वो हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो हक़ ज़ौजियत ही अगर अदा नहीं कर सकता तो फिर वो तलाक जो है वो वाजिब है और तलाक हो सकती है। अगर कोई ऐसी बीमारी का शिकार हो जो लाइलाज हो और दूसरे किसी फरीक को उस बीमारी से जो है वो उसके शिकार होने का ख़तरा हो तो उस सूरत में भी तलाक जो है वो हो सकती है। तीसरी बात ये है कि अगर कोई शख्स उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है तो उस सूरत में भी जो है वो तलाक हो सकती है। तो मैं तो इस बात पे हमेशा ये कहता हूँ कि ये बहस ही बुनियादी तौर पर गलत है,
جو چند نام نہاد مذہبی قائدین نے اور اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو اپنے کمزور جڑوں کی وجہ سے چرچ کی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہتی تھی، ان کی یہ ایک بحث ہی بڑی عجیب ہے۔ اگر طلاق نہ ہوتی، طلاق اتنا ہی ناپسندیدہ فعل تھا، تو پھر آپ کو بائبل میں اس کا بارہا ذکر ملتا ہے۔ یہ لیکن ایک ریلیجیس بحث ہو جائے گی اور بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن سمپلی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قوانین بنے تھے تو اس وقت کی ملکہ برطانیہ نہ صرف حکومت برطانیہ کی سربراہ تھی بلکہ انگلیکن چرچ کی بھی سربراہ تھی، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ چرچ کی رہنمائی کے بغیر، چرچ کی مشاورت کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر جو ہے یہ عائلی قوانین بنائے جاتے۔ تو اس میں ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر طلاق نہ ہوتی تو پھر کرداری بھی نہ ہوتی، پھر جو بھی ہوتا، جو جس کے ساتھ اس کا نام وابستہ ہو گیا، پھر مرنے کی صورت میں ہی جو ہے وہ اسے چھٹکارا ہوتا۔ طلاق کے گراؤنڈ موجود ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے امین مسیح کو ان سیکشنز کو ریسٹور کرنے کے بعد جو ہے وہ رستہ دیا تھا۔ اور ہم بھی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو شادی شدہ زندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک کوئی سیف جو ہے وہ ایک پیسج دیں، قانونی شکل دیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اپنی شادی شدہ زندگی کو زیادہ محفوظ سمجھیں، وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے حق کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ اور کوئی بھی ایسا شخص جس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے یا کسی بھی نفسیاتی مرض کا شکار ہے، جو اپنی بیوی کو تشدد کے ذریعے اس پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بہن یا بیٹی جو ہے وہ ساری زندگی اس تشدد کا شکار ہو اور خود اس ذہنی مریض کے ساتھ رہتے ہوئے ذہنی مریضہ بن جائے، بلکہ اس کو حق حاصل ہو کہ وہ قانونی طریقے سے، شرعی طریقے سے اپنی زندگی کی نئے جو راہیں ہیں اس کو تلاش کر کے اس پہ اپنی زندگی گزار سکے۔ امید کرتے ہیں کہ انتھونی جس جد و جہد کی راہ پہ چڑھ رہے ہیں وہاں کامیابی ہو، اور ان کے جو ہمارے مسیحی مذہب کی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سر اٹھا کر اپنے اپنے گھروں میں جیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا، بنجارن کے ساتھ رکھے گا، اللہ نگہبان۔